येते बातमी येते नगरमधून. बॉम्बचा बेछूट मारा करत धुळीच्या लोटातून वाट काढणारे रणगाडे, शत्रूच्या बंकरचा अचूक वेध घेणारे मिसाईल आणि हेलिकॉप्टर मधून उतरून शत्रूवर तुटून पडणारे पायदळाचे जवान, असा युद्धाचा थरार सोमवारी नगरमधील केके रेंज मध्ये पाहायला मिळाला. या युद्धाची प्रात्यक्षिक पाहून सादरीकरण करणाऱ्या जवानांचं लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कौतुक केलंय आणि जवानांना टाळ्यांची दाद सुद्धा दिली आहे. केके रेंज मध्ये हा युद्ध सराव झाला. यानिमित्त लष्कराच्या ताकदीचं दर्शन उपस्थितांना झालं. भारतीय लष्करातील महत्वाची प्रशिक्षण संस्था असलेल्या मॅकिनाइज्ड रेजिमेंटल सेंटर मधील आणि आर्म्ड कोअर सेंटर अँड स्कूल यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेले ही युद्ध प्रात्यक्षिक मेजर जनरल एस झा आणि ब्रिगेडियर विजय सिंग राणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. तर युद्ध सरावाचं आयोजन करण्यामागील उद्देश लष्करी अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी रणगाडे आणि लष्कराकडे असणाऱ्या विविध शस्त्रांचं प्रदर्शन पाहण्यासाठी उपस्थितांनी गर्दी केली होती. आज जो आप लोगों ने यहां पे देखा है वो हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन. इस चीज को दर्शाता हुआ कि एक जो आर्मर्ड मैकेनाइज्ड फोर्सेस होते हैं ये किस तरह से अपना एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशंस. इसमें पहले आपने देखा कि रैकेट फोर्स को इंसर्ट किया गया, उसके बाद फिर बाद में जो फायर बेस वगैरह बना जिससे फायर से उसके दुश्मन को न्यूट्रलाइज किया गया, और उसके बाद फिर बाद में जो मेन असॉल्ट फोर्स था उसने असॉल्ट किया उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर. और इस प्रकार से ये जो कार्रवाई है इसको हम ज़मीन पर लाते हैं जिससे कि दुश्मन का कोई भी हिस्सा बचता नहीं है. और जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है क्योंकि उसके पास मोबिलिटी होती है, वो साथ साथ टैंकों के साथ आ सकती है, और उस मोबिलिटी के कारण वो इमीडिएटली जब तक कि शॉक एक्शन उतरे इन्फेंट्री आ जाती है और उस एरिया को क्लियर कर देती है. तो ये पूरा एक एक्सरसाइज था. और उस एक्सरसाइज से पहले क्योंकि आप लोगों को ये भी दिखाना था कि किस प्रकार से हमारी जो एक्यूरेसी है, जो गन की जो फायर पावर है, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी शेल्स होते हैं या मिज़ाइल्स हैं, वो कितने एक्यूरेट हैं और कैसे हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, तो ये इनिशियल पार्ट में दिखाया गया. और बाद में आप लोगों को दिखाया गया कि किस तरीके से इसी को एक एक्सरसाइज के तौर पर हम दुश्मन के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं. सर, हमने हमारे तोपों की ताकत देखी, लेकिन अगर पाकिस्तान के तोपों की बात करें, उनके मुकाबले बात करें, तो हम कितने सक्षम हैं, कितने ताकतवर हैं? देखिए, ताकत से ज़्यादा ताकत तो जो उनका जो शेल है और हमारा शेल है वो करीब करीब बराबर ही है. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खसूसियत ये होती है कि आपका क्रू कितना तैयार है. हमारे सैनिक जिस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं वो उनके ट्रेनिंग से हमारा ट्रेनिंग बहुत उम्दा ट्रेनिंग है. और हमारे क्रूज़ के अंदर जो जज्बा है वो जज्बा पाकिस्तान या किसी और दुश्मन के देशों में इतना जज्बा नहीं है. हाल ही में सेनाध्यक्ष ने कहा था कि कभी भी वो चाहे तो पीओके पर कब्जा करने के लिए हम सक्षम हैं. तो आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर भी हमने देखा कि दुश्मन फील्ड पर हमने कब्जा किया, तो क्या हम वहाँ पर भी कितने तक तैयार हैं? देखिए, दुश्मन के लिए अब हमारे सेनाध्यक्ष ने बोला है कि हम पीओ को ले सकते हैं तो हम ले लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमारे को हुक्म मिलना चाहिए. ताकत बता दीजिए. हाँ, खासियत ये है कि हमारी टैंकों के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन. मोबिलिटी आप लोगों ने देखा, इसके अंदर 735 हॉर्स पावर से लेके 1500 हॉर्स पावर तक के टैंक के इंजन हैं, तो उनकी स्पीड कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं. फायर पावर आपने देखा किस तरीके का फायर पावर है, एक ही गन से हम तीन डिफरेंट टाइप के एमिनेशन फायर करते हैं, और उसमें स्मॉल आर्म्स फायर भी है, लार्ज कैलिबर फायर पावर भी है, और लास्टली प्रोटेक्शन, जो आपने देखा ERA पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं. तो इससे क्या होता है कि अगर दुश्मन हमारे पे वार भी करेगा तो उसका जो शेल है, जो राउंड है, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. और क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, हम उसके साथ ज़्यादा स्पीड के साथ उसके साथ क्लोज इन कर सकते हैं और एम्ड फायर से उसको बर्बाद कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी सर्वेलेंस की, उसको आर्मी के अंदर आर्म फोर्सेस जितने भी हैं हम रेगुलरली टेक्नोलॉजी का को ढूंढते रहते हैं, और जो टेक्नोलॉजी हमारे काम के लिए लायक हो सकता है उसको हम अडॉप्ट करते रहते हैं. जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आ गई है. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, जब हमें ड्रोन्स मिलने शुरू हो गए, हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.